गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में जो मतलब आपने बैक्टीरिया जो पढ़ा है, तो बैक्टीरिया में कुछ क्रियाएं होती हैं, तो जैसे उपापचय क्रियाएं, तो जीवाणु में होने वाली कुछ उपापचय क्रियाएं जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में बता रही हूँ। तो अपापचयन, अपचयन मीन्स क्या कहलाता है? देखिए जीवाणु में कुछ क्रियाएँ जैसे होंगी अपचयन की क्रिया। अपचयक मतलब इस क्रिया द्वारा बड़े बड़े जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में विघटित किया, मतलब जो बड़े अणु हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में विघटित कर दिया जाता है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा कोशिकाओं द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करने में उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। शेष बची हुई ऊष्मा के रूप में निकाल ली जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपचायक, अपचाय जो उपाप जो अपचयन होता है, एंजाइम द्वारा संचालित ऊर्जा उत्पन्न करने वाली संवर रासायनिक अपक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक का अपघटन सरल यौगिकों में हो जाता है। मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, इसके अकॉर्डिंग होता है कैटाबॉलिज्म। कैटा मीन्स कट, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपघटन सरल यौगिकों में होता है। इन क्रियाओं को निकलने वाले ऊर्जा क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एनाबॉलिज्म क्रिया क्या कहलाती है? कि इस क्रिया में अणु द्वारा जटिल, मतलब जो जटिल अणुओं का निर्माण किया जाता है, इस क्रिया में उपचय, उपचय क्रिया कहते हैं। उपचय मीन्स एनाबॉलिज्म। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, एंजाइम द्वारा संचालित रासायनिक अपक्रिया, जिसमें सरल अणु ऊर्जा की सहायता से जटिल अणुओं में निर्माण होता है। इन दोनों क्रियाओं में जो दोनों क्रियाएं जो होती हैं, इसमें ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तथा मतलब ऊर्जा जो मुक्त होगी, बांधने का कार्य विशेष प्रकार के अणु द्वारा होता है, जिसे एडिसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी भी कहते हैं। उपापचय तथा उपचय यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्रियाएँ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थों में होती है, ठीक है। इसके बाद उपापचय जो होता है, इन क्रियाओं के दौरान सूक्ष्म जीव कोशिकाओं को, कोशिकांगों का निर्माण होता है। सामान्यतः सूक्ष्म जीवों में ग्लूकोज ऑक्सीकरण उपापचय क्रियाओं की शुरुआत होती है। हेक्सोज शर्करा का उपापचय निम्न रूप से होता है, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, पादप शरीर का निर्माण होता है। यह कार्बोहाइड्रेट सूक्ष्म जीवों का भी पोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट जटिल अणु एंजाइम की सहायता से मोनो और डाइक्लोसैक्राइड के रूप में बदल जाते हैं। यह एंजाइम सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। जब ग्लूकोज सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में प्रवेश कर दिया जाता है, तब 3 कार्बन वाले यौगिक बदल जाते हैं। इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस या फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट का भी निर्माण होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 2 पाइरूविक अम्ल, 2 ATP के अणु और 2 NADH2 के अणु का निर्माण या कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ATP और ADP के रूप में होता है, हेक्सोकाइनोज या हेक्सोज शर्करा के रूप में। फिर ग्लूकोज के 6 फास्फेट अणु बनते हैं और फिर फ्रुक्टोज के भी 6 फास्फेट अणु बनते हैं। इसके बाद जो होता है फास्फेट फ्रक्टोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्रुक्टोज जो होता है 1,6-5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइहाइड्रोक्सी ग्लिसराइड एल्डिहाइड एंड 3-फॉस्फेट में क्रिया होती है, तो क्या होता है NAD और NADH प्राप्त होता है। 1:3 डाइफॉस्फेट फास्फोरिक अम्ल जो होता है 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है ATP और ADP के रूप में। फिर क्या होता है 3-फॉस्फोग्लिसरालिक अम्ल बनता है, 2-फॉस्फोरिक ग्लिसरिक अम्ल बनता है, ठीक है। फिर H2O देन इसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनता है। फिर ये ADP और ATP के रूप में कन्वर्ट होकर पाइरूविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। हम ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम से क्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट बनते हैं। कितने बनते हैं? ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट बनते हैं।
ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1:6 डाई फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, जो ट्राइयोज फास्फेट में टूट जाता है। सभी ट्राइयोज फास्फेट विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, मतलब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ जो होती हैं रासायनिक क्रियाओं द्वारा, अंत में 2 पाइरूबिक का अणु का निर्माण होता है। तो याद रखना कि आखिरी में कितने अणु का निर्माण होगा, 2 पाइरूबिक अम्ल का निर्माण होता है। 3 कार्बन वाला यौगिक अभिक्रिया में 6 कार्बन वाले जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की सहायता से 3 कार्बन वाले सरल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, यानी ग्लूकोज बाद में पाइरूबिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। यह अभिक्रिया उपापचय अभिक्रिया कहलाती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है।